नमस्कार, आप सभी दर्शकों को जिनु ग्रुप्स की ओर से होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। पश्चिमी बंगाल की 30 सीटों पर प्रथम चरण में कल 27 मार्च को हुए मतदान के बाद कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के अधिकारियों ने अपनी एग्जिट पोल के नतीजों से बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचा करके रख दिया। बीजेपी टीएमसी के अलावा कांग्रेस के गठबंधन को मिले वोटों पर कई सर्वे कंपनियों के अधिकारियों ने गौर फरमाया और पूरे दिन मतदान बूथों पर जनता जनार्दन के बीच में रह करके ये जानने की कोशिश हुई कि कौन से मतदान बूथ पर किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। ठीक इसी तरह राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों ने सभी मतदान बूथों पर नजर टिकाए रखी और शाम होते होते सभी मतदान बूथों का आंकड़ा एकत्रित कर लोधी सट्टा बाजार ने पश्चिमी बंगाल की सर्वे रिपोर्ट है वो देश के सामने रख दी। सबसे पहले आपको बता दें कि सभी 30 सीटों पर 80% से ज्यादा मतदान हुआ पश्चिमी बंगाल में, और जैसा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की आदत है और ममता दीदी के लिए वोट करवाने हेतु टीएमसी के गुंडों ने कई जगह पर जनता जनार्दन को डराने के लिए दंगा फसाद भी किया, लेकिन ओवरऑल पश्चिमी बंगाल के प्रथम चरण की 30 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, सीपीएम सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में मतदान के प्रति इन 30 सीटों पर काफी उत्साह है वो दिखाई दिया। अब उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इन 30 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है और किस उम्मीदवार का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। वैसे तो टीएमसी ने सिर्फ 29 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, क्योंकि जोधपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया, जिसके बाद टीएमसी ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटें ऐसी है जहां ममता दीदी के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी का सिक्का चलता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर की कई सीटों पर सिंधिया परिवार का दबदबा है, उसी तरह पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी के दम पर ही 2016 में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2021 में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शरण में आ चुके हैं। इसके अलावा पुरुलिया क्षेत्र की 9 सीटों पर ममता दीदी का 10 साल राज रहने के बावजूद भी लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, इसलिए पीने के पानी की किल्लत और सिर्फ वादों में ही दरार रह गया। ममता सरकार का विकास यहाँ के लोगों हेतु मतदान का मुख्य मुद्दा रहा। यही कारण रहा कि पिछले साल पुरुलिया सीट पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बंपर जीत मिली। इसके अलावा झारग्राम, बांकुरा सहित पश्चिमी मेदिनीपुर की सीटों पर मतुआ समुदाय के लोगों का भी अच्छा खासा प्रभाव देखा गया, जो नागरिकता कानून लाने पर खुलकर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में 30 सीटों पर मतदान से ठीक पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बांग्लादेश दौरा भी मतुआ समाज पर अच्छा खासा प्रभाव छोड़ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा जय श्री राम वर्सेस राम विरोधियों के बीच में भी पश्चिमी बंगाल की 30 सीटों पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो छाए रहे। राम विरोधियों का काम तमाम करने के नारों की गूंज भी लगातार पश्चिमी बंगाल में जगह बना चुकी है। हिंदू मुस्लिमकरण की राजनीति भी इन 30 सीटों पर प्रमुख रूप से छाई रही। प्रथम चरण की 30 सीटों पर मुख्यतः यही मुद्दे छाए रहे, जिसके आधार पर कल लोगों ने 30 सीटों पर जमकर मतदान किया। इन्हीं मुद्दों के आधार पर सर्वे कंपनियां अपने ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार करती है, लेकिन राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार के व्यापारी जनता जनार्दन के मुद्दों के अलावा भी जमीनी स्तर पर लोगों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, जिसकी वजह से सट्टा बाजार की सर्वे के समीकरण स्टीक परिणाम में तब्दील हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि लोधी सट्टा बाजार की सर्वे प्रथम चरण की 30 सीटों पर किसको कितनी सीटें दे रही है। सभी 30 सीटों पर समीकरण समझने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट पतासपुर से। राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार के अनुसार पतासपुर सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है, क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की 7 सीटों पर शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का अच्छा खासा दबदबा है, जिसका बीजेपी को पूरा फायदा मिलता हुआ साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। अगली सीट कांति उत्तर की चर्चा करें तो ये भी पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की ही सीट है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार
डाल चुका है और कारण वही शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का कांति उत्तर सीट पर अच्छा दबदबा होना, जिसका भारतीय जनता पार्टी है वो भरपूर फायदा उठा रही है। सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में ये सीट डाल दी है। अगली सीट बागबनपुर की बात करें तो ये भी बीजेपी के खाते में गई, क्योंकि पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है और कारण वही रहेगा शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का दबदबा। अगली सीट खेजुरी की चर्चा करें तो ये भी सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में डाल दी है और बताया जा रहा है कि अच्छे वोटों के अंतर से यहां पर हार जीत है वो बीजेपी के बीच में हो सकती है। अगली सीट कांति दक्षिण की बात करें तो ये भी सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में डाल दी है, क्योंकि ये भी पूर्वी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है जहां पर शुभेंदु अधिकारी का दबदबा है। इसके अलावा अगली सीट रामनगर की चर्चा करें तो ये भी फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। और पूर्वी मेदिनीपुर की अंतिम सीट इगरा की चर्चा करें तो ये भी फ्लोर सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी को ही दी है, क्योंकि फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने जो सर्वे किया है और इगरा सीट के ऊपर जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का जो दबदबा रहा है, उसी के चलते राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार के व्यापारियों ने इगरा सीट है वो बीजेपी की झोली में डाल दी है। बीजेपी यहां पर कमल खिलाती हुई साफ दिखाई दे रही है। अगली सीट दांतन की बात करें पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहां पर टीएमसी की जीत है वो सट्टा बाजार की सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। अगली सीट न्याग्राम की बात करें जो झारग्राम जिले की है, तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहने वाली है। कांग्रेस के गठबंधन और बीजेपी के बीच में यहां पर कड़ी टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अगली सीट गोपी वल्लभपुर की चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के बीच में टक्कर रहेगी, ये साफ साफ सर्वे में दिखाई दे रहा है। अगली सीट झारग्राम की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को जीत मिल सकती है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार के सर्वे में लगाया गया है। फ्लो सट्टा बाजार के अनुसार झारग्राम सीट है वो ममता दीदी की झोली में डाल दी गई है। अगली सीट केसरिया की चर्चा करें तो यहाँ पर भी टीएमसी को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय फ्लो सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। केसरिया सीट है जो मेदिनीपुर पश्चिमी मेदिनीपुर की सीट है पार्ट फर्स्ट की, और यहां पर टीएमसी है वो जीत दर्ज करती हुई साफ साफ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगले सीट खड़गपुर की चर्चा करें तो राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार ने खड़गपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिखाया है। सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी की झोली में ये सीट डाल दी है। अगली सीट गरबेटा की चर्चा करें तो यहाँ पर टीएमसी की जीत है वो सुनिश्चित हो चुकी है। सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की गरबेटा सीट है वो टीएमसी के खाते में जा चुकी है। अगली सीट सालबोनी की चर्चा करें तो राष्ट्रीय फ्लोर सट्टा बाजार ने सालबोनी सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। पश्चिमी मेदिनीपुर पार्ट फर्स्ट की सीट है सालबोनी। अगली सीट मेदिनीपुर जिले की बात करें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी गई है। फिलहाल मेदिनीपुर सीट है वो खाली पड़ी है, यहां पर विधायक जी का इस्तीफा हो चुका है और बीजेपी के खाते में जा चुकी है। इसके अलावा बीनपुर सीट की बात करें तो यह झारग्राम इलाके की सीट है, यहां पर कांग्रेस के गठबंधन और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय फ्लोदी सट्टा बाजार लगा चुका है। बीनपुर सीट पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो टक्कर में नहीं है, लेकिन सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार कांग्रेस और टीएमसी दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अगली सीट बंदवान की चर्चा करें जो पुरुलिया की सीट है, यहां पर कहीं ना कहीं टीएमसी का विरोध काफी ज्यादा है और सट्टा बाजार की सर्वे ने बीजेपी के खाते में बंदवान सीट डाल दी है। इसके अलावा बलरामपुर सीट भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी पुरुलिया जिले की सीट है जहां पर ममता दीदी का विरोध काफी ज्यादा है। इसके अलावा बागमुंदी सीट की चर्चा करें तो यह भी बीजेपी के खाते में जा चुकी है। बागमुंदी सीट भी पुरुलिया की ही सीट है और पुरुलिया की सभी 9 सीटों के ऊपर ममता दीदी का खूब सारा विरोध है, जिसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है। इसके अलावा जोधपुर सीट की चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी और अन्य के बीच में टक्कर रहने वाली है। जोधपुर सीट पर टीएमसी के उम्मीदवार का जो पर्चा है वो रद्द हो गया था, अन्य को उनका समर्थन है। इसके अलावा पुरुलिया सीट की चर्चा करें तो यह भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी और पहले से ही पुरुलिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। जिस तरह से 2020 में इस्तीफा देने के बाद में सीट खाली होने के बाद में रीचुनाव हुए थे, तो उसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मन बाजार की चर्चा करें तो मन बाजार भी पुरुलिया क्षेत्र की सीट है जहां पर सट्टा बाजार की सर्वे
अनुसार भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पुलिस सट्टा बाजार ने मन बाजार सीट बीजेपी के खाते में डाल दी है। इसके अलावा काशीपुर सीट की चर्चा करें तो पुलिस सट्टा बाजार ने काशीपुर सीट भी बीजेपी के खाते में डाल दी है और ये भी पुरुलिया जिले की ही एक सीट है। इसके अलावा पाड़ा सीट भी राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में डाल दी है। पाड़ा सीट SC रिजर्व है, यहाँ पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार भारतीय जनता पार्टी है वो अपना कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। पुरुलिया की ही ये अगली सीट है। इसके अलावा रघुनाथपुर की चर्चा करें तो ये भी पुरुलिया जिले की सीट है, 80 रिजर्व है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला रही है। पुलिस सट्टा बाजार ने बीजेपी के खाते में रघुनाथपुर सीट डाल दी है। इसके अलावा सालतोरा की चर्चा करें जो 80 रिजर्व है, यहाँ पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही है। पुलिस सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस को ये पहली सीट मिली है जो पूर्ण रूप से कांग्रेस की है। इसके अलावा छांटना सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो कमल खिलाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। बांकुरा जिले की ये सीटें हैं और जिस तरह से TMC और ममता सरकार का जो विरोध हो रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर खूब सारा फायदा उठा रही है। इसके अलावा अगली सीट रानीबंद की चर्चा करें जो बांकुरा क्षेत्र की है, वो भी पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दी है। बीजेपी यहाँ पर कमल खिलाएगी। अगली और अंतिम सीट रायपुर की चर्चा करें तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार साफ साफ यहाँ पर कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। प्रथम चरण की 30 सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो कांग्रेस के गठबंधन को सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिलने के अनुमान लगाए गए हैं और वो है सालतोरा। इसके अलावा TMC को इस बार 4 सीटों पर ही जीत मिलने के अनुमान प्रथम चरण में लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण की 30 सीटों में से 21 सीटों पर कमल खिलाएगी, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। और इसके कई कारण हैं। पहला तो यही कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का जो दबदबा होना, इसके अलावा मतुआ समुदाय का मोदी सरकार को खुला समर्थन होना, जिसकी वजह से 21 सीटों पर जीत दर्ज होगी। इसके अलावा TMC और कांग्रेस के बीच में एक सीट ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला होगा, टक्कर होगी। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में भी एक सीट पर कड़ा मुकाबला होने का अनुमान राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे और उनके व्यापारियों द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी और TMC के बीच में भी सिर्फ एक ही सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, अन्य सभी सीटों पर एक तरफा हार जीत होने की बात राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की सर्वे है वो बोल रही है। इसके अलावा एक जोधपुर सीट पर है जो TMC का अन्य को समर्थन है, क्योंकि वहां पर TMC के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था, वहां पर बीजेपी और अन्य के बीच में कड़ा मुकाबला होने का अनुमान है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को इन प्रथम चरण की 30 सीटों पर अच्छी बढ़त मिली है और 21 सीटों पर एक तरफा जीत है वो भारतीय जनता पार्टी की साफ साफ दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए काफी ज्यादा काम आ चुका है। जैसा कि आपने देखा, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलते हुए साफ साफ दिखाई दे रही है। TMC जिसका 2016 में 27 सीटों पर कब्जा था, आज वो पूरी तरह से पिछड़ चुकी है। कांग्रेस के गठबंधन को पश्चिमी बंगाल की जनता पूरी तरह से ठुकरा चुकी है, जिसका पूरा घाटा सीधे तौर पर 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में उठाना पड़ेगा। पुलिस सट्टा बाजार के व्यापारियों द्वारा जारी किए गए सर्वे समीकरणों पर आपके क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।